स्वैग से करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। हमने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है डिस्को राजा। ये मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले वो देख ले, वरना आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी। सो अब हम वासु को डिस्को राजा कहेंगे। वैसे मूवी में डिस्को राजा का नाम वासु है, लेकिन मूवी का नाम डिस्को राजा है, इसलिए हम इसको डिस्को राजा ही कहेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। मूवी की स्टार्टिंग होती है, डिस्को राजा बार में जाता है, उसके दोस्तों को कुछ गुंडों ने घेर रखा था। डिस्को राजा के आते ही बहुत सारे गुंडे उस पर गन तान देते हैं। डिस्को राजा हेडफोन में सॉन्ग सुनता है और सबको बहुत मारता है। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है। डिस्को राजा फाल्गुनी के साथ कार में जाता है। फाल्गुनी बहुत डरा हुआ था। फाल्गुनी कहता है, सर मुझे क्यों लेकर आए आप? डिस्को राजा कहता है, मुझे हर 24 घंटे में इंजेक्शन कौन लगाएगा? फाल्गुनी कहता है, बस इतनी सी बात, तुम्हारे अंदर एक GPS है, हम तुम्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और मैं तुम्हें इंजेक्शन भिजवा दूंगा। डिस्को राजा कहता है, क्या मेरे अंदर GPS कहाँ पर? फाल्गुनी कहता है, तुम्हारी बॉडी के अंदर। डिस्को राजा सामने किचन में एक नाइफ देखता है और स्माइल करता है। और हमें दिखाया जाता है डिस्को राजा ने GPS निकाल दिया। सेतु डॉक्टर शिशिर के पास जाता है। डॉक्टर शिशिर के ऊपर एक गुंडा गिर गया था जब डिस्को राजा सबको मार रहा था। तो डॉक्टर शिशिर कहते हैं, वो मेरा पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम उसे मेरे पास लेकर आओ जिंदा। सेतु कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। डॉक्टर शिशिर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं उसे वापस जिंदा कर दूंगा। सेतु कहता है, जिंदा करने वाला तरीका किसको पता है? डॉक्टर शिशिर कहते हैं, सिर्फ मुझे आता है, मैं इससे बहुत पैसे कमाऊंगा, तुम्हें भी थोड़े दे दूंगा, बस तुम डिस्को राजा को लेकर आओ। सेतु कहता है, अगर तुझे ही मार दिया तो तुझे कौन जिंदा करेगा? और सेतु हंसता है। वासु का भाई नभा को फोन करता है और कहता है, वो हमारा वासु नहीं है, तो हमारा वासु कहाँ है? सीन शिफ्ट होता है। नरेश कुछ गुंडों के पास जाता है, वहां वासु को लटका रखा था। नरेश सभी गुंडों को गोली मारता है। सीन शिफ्ट होता है। नरेश वासु को बताता है कि तुम्हारे पापा जिंदा है, वो बर्फ में दबे थे, इसलिए वो तुम्हारी एज के दिखते हैं। और मैं तुम्हें एक और सच बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा नहीं, तुम्हारी माँ को मारा था और तुम्हें अनाथ कर दिया था, वो बहुत बड़े डॉन थे। और सीन पास्ट में जाता है। डिस्को राजा के चार दोस्त बैंक लूटने की तैयारी करते हैं। उन समय से एक जिसका नाम उत्तम कुमार था, वो बहुत डरपोक था, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके बाद डिस्को राजा आता है और बड़े स्टाइल से वो गाना बजाता है और एक लड़की से डांस करवाता है। उसके दोस्त सारे लॉकर से पैसा निकालते हैं और जैसे ही सीनियर ऑफिसर आता है, लेकिन तब तक डिस्को राजा और उसके दोस्तों ने पूरा बैंक लूट लिया था और वो जा चुके थे। और उन्होंने पुलिस के लिए एक फोटो छोड़ रखी थी और उस पर लिखा था, कल ये फर्स्ट पेज पे आनी चाहिए ताकि मेरा नाम हो। और डिस्को राजा ऐसे ही बहुत फेमस हो रहा था। वो लोगों का मर्डर करता और लूटपाट करता था और क्लब में ज्यादातर टाइम एंजॉय करता था। सीन प्रेजेंट में आता है। नरेश वासु को कहता है कि तुम्हें अपने पापा को मारना होगा, तुम्हें 25 लाख रुपए चाहिए ना, मैं दे दूंगा, तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। अगर तुमने चलाकी करी तो मैंने तुम्हारे घर में कुछ गुंडे लगा रखे हैं, जैसे ही तुमने चलाकी की वो तुम्हारे परिवार को मार देंगे। डिस्को राजा एक जगह कार रोकता है और फाल्गुनी से एक जगह खुदाई करवाता है। फाल्गुनी कहता है, इससे क्या मिलेगा? डिस्को राजा कहता है, तुम खोदो तो सही। फाल्गुनी खोदता है, उसे एक बॉक्स मिलता है, उसमें बहुत सारे पैसे थे। डिस्को राजा कहता है, देखा, अब हमारा सफर आसान हो जाएगा। फाल्गुनी कहता है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से गवर्नमेंट ने ये करेंसी बंद कर दी थी और अब ये सब बेकार है। डिस्को राजा कहता है, ऐसा क्या, जरा बॉक्स के नीचे से देखो। फाल्गुनी देखता है, उसमें एक गन थी। फाल्गुनी कहता है, ये इतनी पुरानी है, ये कहाँ चलेगी? डिस्को राजा चलाता है और गन चल जाती है। फाल्गुनी कहता है, इससे काम चल जाएगा। दोनों कार से पेट्रोल पंप पे जाते हैं। पेट्रोल पंप वाला कहता है, कैश है या कार्ड है? फाल्गुनी उसे गन दिखाता है। पेट्रोल पंप वाला कहता है, ओके, और वो टैंक फुल कर देता है। डिस्को राजा कहता है, और कुछ चाहिए? और सीन शिफ्ट होता है। फाल्गुनी गन दिखाकर बहुत शॉपिंग करता है और थोड़े रास्ते चलने के बाद उनकी कार खराब हो जाती है। फाल्गुनी ओला बुक करता है। डिस्को राजा कहता है, ये क्या चीज़ बोल रहे हो? फाल्गुनी कहता है, बस तुम देखते जाओ। एक टैक्सी आती है। डिस्को राजा हैरान हो जाता है। दोनों टैक्सी में जाते हैं। डिस्को राजा चिरंजीवी का पोस्टर देखता है। डिस्को राजा कहता है, ये भी मेरे जमाने के हैं, लेकिन ये ओल्ड नहीं हुए, कमाल की बात है, मुझे पता था ये बहुत बड़े स्टार बनेंगे। फाल्गुनी कहता है, ये इतने यंग अपने फैंस की वजह से हैं, हमारे जैसे फैंस इन्हें ओल्ड होने नहीं देंगे। वो दोनों एक बार में जाते हैं, गार्ड्स उन्हें रोकते हैं। फाल्गुनी कहता है, तुम्हें पता है ये कौन है? ये यहाँ के मालिक हैं, ये बार इनका ही है। गार्ड्स हैरान हो जाते हैं। डिस्को राजा उन्हें अपनी फोटो दिखाते हैं। बार में गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। डिस्को राजा स्माइल करता है। वो अंदर जाता है, वो अपने एक दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त कहता है, तुम तो बिल्कुल डिस्को राजा की तरह दिख रहे हो। डिस्को राजा कहता है, मैं ही डिस्को राजा हूँ, और वो रिसेप्शन में जो लड़की है वो कमाल है, तुम्हारी चॉइस बहुत बढ़िया है। उसका दोस्त कहता है, 100% तुम ही डिस्को राजा हो। वो उसे उसके रूम में ले जाता है और कहता है, मैंने पूरा का पूरा बार चेंज कर दिया सिर्फ इस रूम को छोड़ के, क्योंकि इस रूम से तुम्हारी बहुत यादें हैं। वहाँ डिस्को राजा के गैंग के आदमियों की फोटो पे माला चढ़ी हुई थी। सीन पास्ट में जाता है।
डिस्को राजा को एक आदमी डुप्लीकेट लॉटरी बनाने वाले आदमी को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। डिस्को राजा के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। वो सारे सेतु के आदमी थे। डिस्को राजा के दोस्त सेतु के पास जाते हैं और कहते हैं कि डिस्को राजा चाहता है कि तुम अब हमारे साथ काम करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम उतने तुम्हें देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। सेतु कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है। डिस्को राजा के दोस्त डिस्को राजा के पास जाते हैं ये बात बताने। वहाँ सेतु था और वो कहता है कि मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे काम नहीं करना, मेरा मूड चेंज बहुत जल्दी होता है। सेतु डिस्को राजा के दोस्तों से कहता है तुम इतना लेट कैसे आए, बिरयानी खा रहे थे क्या? सेतु डिस्को राजा को धमकी देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो या तुम मेरे रास्ते में मत आओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो जा रहा था और वो डिस्को राजा के आदमियों से कहता है तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। सेतु नीचे जाता है। उसके गैंग वाले कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे, हम डिस्को राजा के लिए काम करेंगे। सेतु को गुस्सा आता है। डिस्को राजा आता है और कहता है मेरे दोस्त बिरयानी नहीं खा रहे थे, तेरे आदमियों को बिरयानी खिला रहे थे, और तू मुझे क्या धमकी देगा? मैं तुझे धमकी देता हूँ, तू मेरे रास्ते में मत आ वरना मारा जाएगा। सेतु कहता है बहुत बढ़िया, और वो वहाँ से चले जाता है। और सेतु एक एक करके डिस्को राजा के गैंग वालों को मार रहा था। डिस्को राजा को उसका एक दोस्त बताता है। डिस्को राजा कहता है लगता है अब मुझे बिरयानी बनानी ही पड़ेगी, जाओ जाके मुर्गा लाओ। डिस्को राजा के दोस्त एक एक करके सेतु के आदमियों को पकड़ते हैं। उत्तम कुमार अपने आदमियों को बताता है कि सेतु एमएलए और सीनियर ऑफिसर की वजह से हवा में उड़ रहा है। डिस्को राजा प्लान बना के एमएलए को पार्टी से निकलवा देता है और पुलिस वाले को धमकी देता है, और पुलिस वाला डर जाता है। और डिस्को राजा के कहने पर वो सेतु के अड्डे पर छापा भी मारता है। सेतु को जेल हो जाती है। डिस्को राजा कहता है तेरा चैप्टर खत्म, अब मुझे दिखना मत वापस। सेतु स्माइल करता है। डिस्को राजा उसे बिरयानी देता है जेल में खाने के लिए और कहता है मैं किसी का भी कर्जा बाकी नहीं रखता। सेतु स्माइल करता है बस। डिस्को राजा क्लब में अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करता है डांस करके। उसे एक लड़की दिखती है, उस लड़की का नाम हेलन था। डिस्को राजा उसे बहुत इंप्रेस करने की कोशिश करता है, उसके सामने डांस भी करता है, लेकिन हेलन उसे इग्नोर करती है। हेलन चली जाती है अपनी कार से। डिस्को राजा उसका पीछा करता है। डिस्को राजा का एक्सीडेंट भी हो जाता है। उत्तम कहता है छोड़ उसे, वैसी 100 लड़की आती हैं तेरी लाइफ में। डिस्को राजा कहता है इसमें कुछ तो अलग बात है, ये सबसे अलग है। अगले दिन हेलन बस के लिए खड़ी थी। डिस्को राजा जाता है और उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है और उसे उसके पास्ट के बारे में पूछता है। हेलन कुछ नहीं कहती और वो उसे इग्नोर करती है। डिस्को राजा गुस्से में उसे गन दिखाता है और उसे अपने अड्डे पर ले जाता है। वहाँ उसके आदमियों ने कुछ आदमियों को बांध रखा था। डिस्को राजा कहता है ये बहुत शांत प्लेस है, यहाँ हम बात कर सकते हैं, अपने बारे में कुछ बताओ। हेलन कुछ नहीं कहती, वो मूंगफली कहती है जो वहाँ रखी हुई थी। डिस्को राजा हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, तुम्हें मुझे डर नहीं लग रहा क्या, मैं कितना बड़ा डॉन हूँ? हेलन उसका कोई जवाब नहीं देती। वहाँ बंधा हुआ आदमी कहता है ये आपसे डर गई लग रहा है। डिस्को राजा गुस्से में कहता है ये मेरे से डरती है तब भी ये मुझे बता सकती है। वो अपनी गन निकालता है वापस। हेलन इशारे में बताती है कि वो सुन और बोल नहीं सकती। डिस्को राजा कहता है सच में? हेलन हाँ, मैं मुंडी हिलाती है। डिस्को राजा कहता है चलो ये सब मैं समझता हूँ, तुम सुन और बोल नहीं सकती, लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हें इंप्रेस करने के लिए डांस कर रहा था तब क्या हुआ था? बंधा हुआ आदमी कहता है भाई सोच के देखो, बिना म्यूजिक के आपका डांस इसे कैसा लगता होगा? डिस्को राजा सोचता है और डर जाता है। हेलन गन लेती है और डिस्को राजा को गन पॉइंट पर लेकर वहां से निकलती है। डिस्को राजा के गुंडे हेलन पर गन टारगेट करते हैं। डिस्को राजा मना कर देता है। ऐसे ही गन पॉइंट पर डिस्को राजा को वो बस स्टैंड पर ले जाती है और उसे गन देकर वहां से चली जाती है। डिस्को राजा बहुत खुश होता है। डिस्को राजा उसका हर जगह पीछा करता है। एक दिन हेलन अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं इशारे में, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता और उसकी सारी दोस्त चली जाती है। हेलन को बहुत बुरा लगता है। डिस्को राजा आता है। हेलन इशारे में कहती है कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता, अब तुम मुझे परेशान मत करो, मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। डिस्को राजा चले जाता है और दूसरी तरफ से आकर रुमाल देता है। डिस्को राजा हेलन को एक चर्च में ले जाता है जहाँ वो इशारे में कुछ लोगों से बात करती है। बयानी कहता है तुम इस लड़की से इतना प्यार क्यों करते हो, उस लड़की को तुम छोड़ क्यों नहीं देते, तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिखता है? डिस्को राजा कहता है बचपन में मेरी माँ में हिम्मत नहीं थी, इसलिए मुझे पैदा करके वो कचरे के ढेर में छोड़ के चली गई और खुद ने सुसाइड कर लिया, और हेलन में हिम्मत है, वो पूरी दुनिया से लड़ रही है। अगर मेरी माँ में इतनी हिम्मत होती तो आज मैं ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ और हम दोनों अनाथ हैं। फिर सॉन्ग चलता है और हमें हेलन और डिस्को राजा का रोमांस दिखाया जाता है। हेलन इशारे में बात करती है, डिस्को राजा को कुछ समझ नहीं आता। डिस्को राजा टीवी पे प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक लेडी इशारे में न्यूज़ बता रही थी। डिस्को राजा का दोस्त उसे उठा लेता है वहाँ से, और वो लेडी डिस्को राजा और हेलन के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, और ऐसे ही वो दोनों बहुत रोमांस करते हैं। एक दिन हेलन डिस्को राजा को एक जगह बुलाती है और उस लेडी के जरिए बताती है कि वो माँ बनने वाली है। डिस्को राजा बहुत खुश होता है और वो लेडी बताती है कि हेलन अब अबॉर्शन कराना चाहती है। डिस्को राजा कहता है क्यों? हेलन इशारे में कहती है, लेडी बताती है कि तुम गुंडे हो और तुम्हारी जान को बहुत खतरा रहता है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारे बेबी को कुछ हो।
राजा कहता है तुम अबॉर्शन कराना चाहती हो ना, वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ वो उसे मंगलसूत्र पहना देता है और कहता है आज से तुम मेरी बीवी हो और तुम और तुम्हारा बच्चा मेरी जिम्मेदारी, अब मैं ये गुंडागर्दी छोड़ दूंगा। अगले दिन सुबह डिस्को राजा न्यूज़पेपर में अपनी मौत की फेक न्यूज़ पब्लिश करवाता है और वो अपने दोस्तों को गुड बाय कहकर हमेशा के लिए लद्दाख जाने के लिए निकल जाता है। और उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, डिस्को राजा का दोस्त कहता है उसके बाद सेतु जेल से अपने आप को छुड़वाता है और पुलिस और एमएलए के साथ मिलकर वो बहुत बड़ा डॉन बन जाता है और उसने एक एक करके तुम्हारे सारे दोस्तों को मरवा दिया। डिस्को राजा को बहुत बुरा लगता है, उसका दोस्त कहता है तुम्हारे साथ लद्दाख में क्या हुआ। स्टोरी वापस पास्ट में जाती है, डिस्को राजा को लद्दाख में कुछ गुंडे मिले हैं और वो उसे बहुत मारते हैं और उस टाइम हेलन को भी, बेबी हो सकता था, कुछ गुंडे हेलन को भी मारते हैं लेकिन डिस्को राजा बड़ी मुश्किल से उसे ट्रक के जरिए यहाँ से बहुत दूर भेज देता है और गुंडे डिस्को राजा को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, डिस्को राजा बहुत परेशान था। फाल्गुनी कहता है ये कितने चमत्कार की बात है ना, तुम्हारा बेटा या बेटी तुम्हारी एज की ही होगी अभी। डिस्को राजा कहता है मुझे अपने बच्चे से मिलना है लेकिन कैसे। फाल्गुनी कहता है तुम्हें याद है ना कोई आदमी आया था, वो वासु का भाई कह रहा था अपने आप को, मुझे पूरा यकीन है वही वासु तुम्हारा बेटा होगा। डिस्को राजा कहता है बिल्कुल सही कहा। फाल्गुनी को कॉल आती है, वो फोन डिस्को राजा को देता है, डिस्को राजा उठाता है, वो फोन सेतु का था। सेतु कहता है और डिस्को राजा कैसे हो। डिस्को राजा कहता है फालतू बात मत कर, मुझे ये बता तू कहाँ है, तू यहाँ आता है या मैं वहाँ आऊँ, बिकॉज आई हेट वेटिंग। और वो फोन कट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, नरेश कार में था, उसे किसी दास का फोन आता है, नरेश उठाता है और वो दास कहता है कहाँ तक बात पहुंची। नरेश कहता है बस मैं उन तीनों को लड़वाता हूँ और वो तीनों एक दूसरे को मार देंगे और हमारा काम हो जाएगा। डिस्को राजा एक जगह जाता है, उस पर बहुत सारी गोलियाँ चलती हैं, डिस्को राजा बसता है और हमें दिखाया जाता है वो सारी गोलियाँ वासु मार रहा था। डिस्को राजा वासु को देखकर खुश हो जाता है। वासु कहता है आज मैं आपको जान से मार दूंगा, आपने मेरी माँ को मार के मुझे अनाथ कर दिया। डिस्को राजा उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारा गुस्सा होना बनता है, ट्रिगर पॉइंट पे अपना हाथ रखता है और उससे गन छीन लेता है। डिस्को राजा फाल्गुनी से कहता है तुम उसका ध्यान रखना। वासु कहता है मैं तुमसे अपनी माँ की मौत का बदला जरूर लूंगा। डिस्को राजा कहता है क्या हुआ था, तुम्हें कुछ पता भी है। वासु बताता है कि लद्दाख में कुछ आदमी मेरी माँ को हॉस्पिटल लाते हैं लेकिन मेरी माँ मुझे पैदा करने के बाद मर जाती है गहरी चोट होने की वजह से। और डिस्को राजा गुस्से में कहता है सेतु, और वो एक रूम के अंदर जाता है जहाँ सेतु दारू कहता है तू मरता क्यों नहीं है। डिस्को राजा कहता है आज तू गया, और दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, फाल्गुनी वासु को पूरा सच बताता है कि सेतु ने तुम्हारी माँ को मारा था। डिस्को राजा ने नहीं बल्कि उन्होंने तुम्हारी माँ के लिए गुंडागर्दी छोड़ दी थी। वासु को अपनी गलती का एहसास होता है। सीन शिफ्ट होता है, डिस्को राजा और सेतु की फाइट चलती है। सेतु डिस्को राजा को बहुत मारता है, उसके बाद डिस्को राजा को गुस्सा आता है और वो भी सेतु को बहुत मारता है बहुत बुरी तरीके से वो भी। और लास्ट में डिस्को राजा शार्फ बर्फ के टुकड़े से मारता है और डिस्को राजा कहता है तुझे मेरे शरीर के 1000 टुकड़े करने चाहिए थे, तब तुझे चैन की सांस लेनी चाहिए थी। सेतु कहता है अगर मैंने तुझे मारा होता तो तू आज यहाँ नहीं होता। डिस्को राजा कहता है तू कहना क्या चाहता है। सेतु कहता है कि तूने मेरी वाइफ को मरवा दिया जब वो प्रेग्नेंट थी, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई ऐसा घटिया काम करने में। डिस्को राजा कहता है मैंने गुंडागर्दी छोड़ दी थी, मैं तुम्हारी वाइफ को क्यों मरवाऊंगा, तुमने मेरे पे लद्दाख में हमला क्यों करवाया था। सेतु कहता है कि मैंने नहीं करवाया, अगर मैंने करवाया होता तो तुम अभी जिंदा नहीं होते, लेकिन अगर तुमने मेरी वाइफ को नहीं मारा तो किसने मारा। डिस्को राजा कहता है तुम सच तो कह रहे हो ना। सेतु कहता है मरता इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। डिस्को राजा कहता है ना मैंने तुम पर हमला करवाया ना तुमने मुझ पर, तो हम दोनों पर हमला करवाया किसने। सेतु मर जाता है। डिस्को राजा बाहर आता है और कहता है आखिर ये किसने किया होगा, और वो गन निकालता है और नरेश को मार देता है और वासु भी ये सब देख रहा था। वासु कहता है इसने मेरे परिवार वालों पे गुंडे भेज रखे थे, वो गुंडे मेरे परिवार वालों को मार देंगे। सीन शिफ्ट होता है, गुंडे परिवार वालों को मारने आए थे। वासु का भाई गुंडों को फोन देता है और फोन पे डिस्को राजा था। डिस्को राजा कहता है देखो भाई ऐसा है जिसने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो मर गया, अब तुम्हें पेमेंट कौन देगा। फाल्गुनी नरेश की फोटो भेजता है गुंडों को और गुंडे डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, डिस्को राजा कहता है ये बस पपेट है, प्लान किसी और का था, और उसे दास की कार मिलती है। सीन शिफ्ट होता है, डिस्को राजा और फाल्गुनी एक शिप में जाते हैं। वहाँ डिस्को राजा कहता है मुझे एंथनी दास से मिलना है। वहाँ एक आदमी कहता है कि सर सॉरी बिना अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। फाल्गुनी कहता है इसे मैं देखता हूँ। डिस्को राजा कहता है तुम तो डॉक्टर हो। फाल्गुनी कहता है मैं डॉक्टर नहीं रहा। वो उस आदमी से कहता है तुम्हारा सीसीटीवी चल रहा है ना। आदमी कहता है हाँ सर। फाल्गुनी उस आदमी को मार देता है और सीसीटीवी में कहता है जल्दी हमें अंदर बुलाओ बिकॉज वी हेट वेटिंग। डिस्को राजा कहता है वाह क्या बात है मेरे साथ रहकर तुम सब सीख गए। फाल्गुनी कहता है थैंक यू। वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ एक फॉरन आदमी कहता है डिस्को राजा वेलकम, और उसे गन दिखाकर कहता है गेम ओवर। डिस्को राजा स्माइल करता है और उस फॉरन आदमी के पीछे कोई गन रखता है, फिर हमें पता चलता है इसलिए डिस्को राजा वो है। और वो डिस्को राजा कहता है बोला अपने बाप को तू एंथनी दास नहीं है।
बाजू कहता है एंथनी दास नहीं है तो एंथनी दास कौन है, डिस्को राजा के गन पे कोई शूट करता है। और हमारा रियल विलन सामने आता है उत्तम कुमार, डिस्को राजा का दोस्त ही एंथनी दास था। उत्तम कहता है और डिस्को राजा तुम्हें वापस देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इतने सालों से आराम से था तुम वापस क्यों आ गए। डिस्को राजा हैरान होता है। उत्तम कहता है कि ये सब मेरा ही प्लान था, मैं तुम्हारी गैंग में आया तुमसे दोस्ती करी और डरपोक बनने का नाटक करा ताकि मैं तुम्हारा विश्वास जीत सकूं, और तुम्हारे लद्दाख जाने के बाद मैंने अपना असली प्लान शुरू किया और अपना पूरा गेम खेला। मैंने सेतु की वाइफ को मरवाया और उसके पास नाटक किया और उसके हाथों से एक एक करके तुम्हारे सभी दोस्तों को मरवाया, और लद्दाख पे तुम पे हमला भी मैंने ही करवाया था एमएल से कॉन्ट्रैक्ट लेकर, और मैं वहाँ खुद था उस मास्क के पीछे। ये सब मेरा मास्टर प्लान था, अब वापस मरने के लिए तैयार हो जाओ। उत्तम डिस्को राजा के हार्ट में गोली मारता है और वहाँ से जा रहा था, और तभी उसका वहाँ एक आदमी उठ के आता है। उत्तम हैरान होता है, फाल्गुनी कहता है झकास तुम सब शौक हो, मैं तुम्हें बताता हूँ आमतौर पर इंसान का दिल लेफ्ट साइड होता है लेकिन हमारा डिस्को राजा का दिल राइट साइड में है, इसे मेडिकल टर्म में रेट्रोकार्डियक कहते हैं, तुम नहीं समझोगे। और डिस्को राजा सारे गुंडों को मारता है और उससे चोट भी नहीं लगी थी। उत्तम भाग रहा था, डिस्को राजा सबको मार के उसके पीछे आता है, और जब उत्तम देखता है कि कोई रास्ता नहीं है वो नाटक करता है शरीफ होने का, वो कहता है कि मैं तुम्हारा उत्तम ही हूँ, मेरे ऊपर एंथनी हावी हो जाता है, मेरी गलती नहीं है। और वो चालाकी से एक मरे हुए गार्ड की गन लेता है और डिस्को राजा को कहता है अब वापस मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन उस गन में गोली नहीं थी। डिस्को राजा गुस्से में कुल्हाड़ी से उत्तम पे बहुत सारे वार करता है और उत्तम मर जाता है, और डिस्को राजा की जगह बैठता है और वो भी मर जाता है। वासु भी हैरानी से देखता है। सीन शिफ्ट होता है, वासु गुंडो को 25 लाख रुपए देता है और अंकल ठीक हो गए थे, और वो कहते हैं इतने पैसे तुमने कहाँ से इकट्ठे किए। वासु कहता है आपके बेटे ने पैसे वापस दे दिए, अंकल का बेटा दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है, नभा वासु से कहती है तुम्हारे पापा का क्या हुआ। सीन लैब में शिफ्ट होता है, परिणीति स्माइल करती है। डिस्को राजा मशीन से उठता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ मशीन में सेतु और डिस्को राजा के और भी दोस्त की बॉडियाँ थी। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप यू लाइक इट, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।